हाँ बेटा देखें, हम लोग जो है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिकल में, तो कल पहली क्लास हुई आपका, एक तरह से उसे पार्ट वन कहिए। आज हम लोग मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में ही भाग दो देख रहे हैं, यानी सेकेंड क्लास में हम लोग चल रहे हैं, दूसरी क्लास में। तो कल की टॉपिक हम लोगों की समाप्त हुई थी कि उनका वर्गीकरण हम लोगों ने कर लिया था सेकेंडरी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का, और उसमें जो है इंडिकेटिंग टाइप जो इंस्ट्रूमेंट है उसका आज हम लोगों को अध्ययन करना है। सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट तीन प्रकार के आप लोगों ने ऑलरेडी लिखा है कि एक जो है इंडिकेटिंग टाइप है, एक जो है बेटा इंटीग्रेटिंग यानी समाकलित है, और एक जो है रिकॉर्डिंग टाइप। तो हम लोग जो है सूचक प्रकार वाला या इंडिकेटर वाला या इंडिकेटिंग टाइप वाला इंस्ट्रूमेंट पहले लेते हैं। ये इसका एक तरह से सिंबल आपके दिमाग में है कि एक इसमें जो है बेटा अंशांकित पैमाना होगा, जिस पर एक पॉइंटर हमारा या नीडल या और भी संकेतक आप कह सकते हैं वो चलेगा, और हमें जो है तात्कालिक मान को व्यक्त करेगा कि इस समय कितने एम्पियर की धारा बह रही है या कितना वोल्टेज है या कितना शक्ति, ये तात्कालिक मान दे। तो इसी की हम लोग बात कर रहे हैं, यही वाला जो है आपका इंडिकेटिंग टाइप मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, और इसके एग्जाम्पल जो हमारे वोल्ट मीटर, एम्पियर मीटर, वाट मीटर सभी हैं, सब में ऐसे ही होता है। अब इस पॉइंटर को चलाने के लिए ये जो संकेतक है बेटा पॉइंटर है, इस पॉइंटर को चलाने के लिए माने व्यवस्थित ढंग से संचालित करने के लिए, ऑपरेट करने के लिए हमें तीन प्रकार के बल आघूर्ण की जरूरत पड़ती। इन्हें बेटा चलाने के लिए, इसी पॉइंटर को चलाने के लिए हमें कितने प्रकार के बल आघूर्ण की जरूरत पड़ती है? हाँ, तो इंडिकेटिंग टाइप मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के ये बेटा पॉइंटर को सुचारू रूप से चलाने के लिए से मूव कराने के लिए बेटा मूव कराने हेतु निम्न तीन प्रकार के बल आघूर्ण को हम लोग क्या कहते हैं? टॉर्क। तीन प्रकार के टॉर्क की आवश्यकता होती है। चलिए लिख लीजिएगा, होती है बेटा ये कौन कौन है? तो पहला है आपका डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, विक्षेपक बल आघूर्ण, विक्षेपक बल आघूर्ण को कहेंगे बेटा डिफ्लेक्टिंग। सरका बेटा आपका है कंट्रोलिंग या नियंत्रक बल आघूर्ण, नियंत्रक बल आघूर्ण को कहेंगे बेटा कंट्रोलिंग, कंट्रोलिंग टॉर्क।
और तीसरा टार्क है बेटा अवमंदक। अवमंदक बल आघूर्ण को कहेंगे डैम्पिंग, डैम्पिंग का। क्लियर है? माने इस पॉइंटर को बेटा, इस नीडल को सांख्यिक पैमाने पर चलाने के लिए पहले तो एक विक्षेपक बल आघूर्ण जो कि इसको बेटा मूव कराएगा उसे कहेंगे विक्षेपक बल हम। क्लियर है? जो इस पॉइंटर को बेटा अंशांकित पैमाने पर और ऐसे बेटा गति करावे, मूव करावे, उसे हम लोग कहेंगे डिफ्लेक्टिंग या फिर विक्षेपक बल आगो। लिखे हैं आप कि वह बल आघूर्ण जब बेटा हम लोग इस इंस्ट्रूमेंट में वैद्युत धारा प्रवाहित कराएंगे तो उस वैद्युत धारा के प्रवाह के कारण इस पर जो है एक बल आघूर्ण उत्पन्न होगा जो कि इस पॉइंटर या नीडल को इस पैमाने पर इस टाइप से ऐसे गति कराएगा और ये जहाँ जाकर रुकेगा वहाँ की रीडिंग हम लोग नोट कर लेंगे, वहीं तात्कालिक मान हमें मालूम हो जाएगा कि इस समय इतने एम्पियर की धारा बह रही है अथवा इतने जो है वोल्टेज आ रहा अथवा ये इंस्ट्रूमेंट जो है इतना वोल्ट लेगा, ये हमें मालूम है। तो इसको चलाने के लिए जब हम लोग बेटा इस टाइप का बल लगाएंगे जो कि बल आघूर्ण लगाएंगे, पहले बल होगा फिर बल से बल आघूर्ण हो जाएगा क्योंकि टार्क बराबर होता है बल बल एफ बेटा और गुणे जो है होता है बल की क्रिया रेखा से आलंब की लंबवत दूरी। क्या होता है? बल क्रिया रेखा से, क्रिया रेखा से लंबवत बल की दूरी, लंबवत दूरी होता है। जैसे ये हम लोगों का बेटा मान लीजिए कि कोई पिंड है, इस टाइप का पिंड है, ये तो मैंगो बन गया। मान लीजिए कि बेटा ये यहाँ पर आपने जो है वो लगा रखा आलंब या सपोर्ट लगा रखा है, इसी के परितः इसे नचाना है। तो अगर आप बेटा एक बल यहाँ पर लगा रहे हैं या यहाँ पर लगा रहे हैं, ऐसे मान लीजिए कि एक बल आपने ऐसे लगा दिया, ये बल एफ लगा दिया, तो अब जो है इसकी जो क्रिया रेखा है बेटा वो ऐसे ऊपर भी खींच दीजिए और ऐसे ये इसकी क्रिया रेखा है काम करने का, इसका ये रेखा इस डायरेक्शन में चूंकि बल सदिश राशि है तो इस दिशा में वो लग रहा है। अब यहाँ से इसकी हम लोग बेटा जो है ये वाली दूरी नहीं लेंगे, ये तिर्यक हो, हम लोग कौन सी दूरी लेंगे? लंबवत दूरी, इस पर 90 अंश पर लेंगे। ये कोण कैसा होना चाहिए? ये दूरी जो है आर कहलाएगी और इस बिंदु के परितः अब ये बल क्या करेगा? इसे जो है घुमाने का प्रयास करेगा, ऑटोमेटिक वो घूमे क्योंकि यहाँ पर आपने जो है इसे बेटा फिक्स कर रखा है। जैसे यहाँ पर आपने डंडा लगाया बेटा, ऐसे मान लीजिए एक सपोर्ट लगाया और एक जो है ये आपका जो है लीवर है जैसे दंड प्रकार का। अब इस पर आप कोई भी बल लगाएंगे तो उसके कारण ये जो है इस पर ऐसे घूमने लगे, बोलिए ना भाई, जैसे आपने थोड़ा भी इसको छू दिया ऐसे तो ये ऐसे ऐसे नाचने लगा, इधर की ओर कर दिया तो इधर की ओर नाचने लगेगा और अगर ऐसे है बेटा ऐसे कर दिया तो फिर ऐसे ऐसे नाचने लगेगा, है कि नहीं? तो बल तो आपने एक डायरेक्शन में लगाया नीचे की ओर या ऊपर की ओर, लेकिन अब ये इसके कारण क्या ऐसे ऐसे नाचने लगेगा या फिर ऐसे ऐसे नाचने लगेगा या फिर जैसा बल लगा दिया। तो इस तरह से टार्क बराबर हो गया बल गुणे बल की क्रिया रेखा से आलंब की लंबवत दूरी, ऐसे या फिर टार्क, यही टार्क हो गया, ये इसे नचाना। ऐसा ही हम लोग टार्क जो है बेटा लगाते हैं
मोटर के आर्मेचर पर लगता है तो धुरा नाचने लगता है, ऐसे ही टार्क हम लोग लगाते हैं बेटा तो कोई नट बोल्ट है वो खुल जाता है कस जाता है, या सीसी बोतल का ढक्कन खुल जाता है कस जाता है, इस टाइप से वही है बल आघूर्ण, वही है टर्क। तो इस पर एक ऐसे ये भी घूर्णीय मोशन एक तरह से कर रहा, ये पॉइंट इसका स्थिर है और ये ऐसे चल रहा है, तो ऐसा जो है बेटा इसे गति देने के लिए हमारा जो बल आघूर्ण लगेगा उसे कहेंगे विक्षेपक बल आघूर्ण या डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। और यह डिफ्लेक्टिंग टॉर्क जो है इस इंस्ट्रूमेंट में, ये एम्पियर मीटर है, वोल्ट मीटर है, सबकी संरचना बेटा ऐसे ही रहेगी, ये सब जो है अंदर एकदम पैक रहता है, प्लास्टिक बॉडी में एक तरह से पैक रहता है, ये सारे पार्ट्स जो है नीचे लगे रहेंगे, इसके चलाने वाले सब मूव कराने वाले, केवल हम लोगों को ये अंशांकित पैमाना और ये पॉइंटर दिखता, बाकी और कुछ नहीं दिखेगा, सब जो है पैक रहे। जैसे घड़ी में आपकी घड़ी को मूव कराने के लिए बेटा सारे इंस्ट्रूमेंट जो है, सारे भाग जो है घड़ी के नीचे रहते हैं, केवल हम लोगों को जो है डायल पर जो है नंबर दिखाई देता और सुई दिखाई देती, वही सुई एक तरह से हमारा पॉइंटर है, जिस पर जहाँ घंटे वाली सुई रहती है तो हम लोग कहते हैं भाई इतना बज गया या इतने बजकर इतना मिनट हो। वैसे इन इंस्ट्रूमेंट में चाहे वो एम्पियर मीटर हो चाहे वो वोल्ट मीटर हो, सब में जो है ये पॉइंटर ऐसे ही जो है बेटा रहेगा और सारे इंस्ट्रूमेंट जो है इसको चलाने वाले मूव कराने वाले सब जो है अंदर पैक रहेंगे, वो हमें दिखेंगे नहीं, सब नीचे साइड में रहेंगे, इसकी हाउसिंग में रहेंगे, इसके कैबिनेट के नीचे रहेंगे। और हमें जो ऊपर क्या दिखाई देगा, केवल ये स्केल दिखाई देती है और ये पॉइंटर दिखाई, पक्का हुआ। तो अब इस पॉइंटर को बेटा सुचारू रूप से चलाने के लिए ये तीन बल हैं, बल आघूर्ण है, तो पहला बल आघूर्ण आपने जान लिया कि वह बल आघूर्ण बेटा जो कि इस पॉइंटर को अंशांकित पैमाने पर मूव कराएगा, गति कराएगा, उसे हम लोग जो है डिफ्लेक्टिंग बल आघूर्ण या विक्षेपण बल आघूर्ण का लिख लिया आप लोगों ने, लिखा ठीक है भाई। फिर से सुन लीजिए, हम लोग इंडिकेटिंग टाइप मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में बेटा पढ़ रहे हैं कि तीन प्रकार के जो है पॉइंटर को चलाने के लिए तीन प्रकार के बल आघूर्ण की सुचारू रूप से चलाने के लिए जरूरत पड़ती है, एक जो है विक्षेपक बल आघूर्ण की, दूसरा नियंत्रक की और तीसरा डैम्पिंग वाली। विक्षेपक वाला क्या करता है बेटा, यह बल आघूर्ण जब इस इंस्ट्रूमेंट से हम लोग धारा मापेंगे, वोल्टता मापेंगे, कुछ भी मापेंगे, तो इसमें सप्लाई हम लोग जैसे ही डालेंगे तैसे ही क्या होगा कि ये वाला विक्षेपक बल आघूर्ण तुरंत एक्टिव हो जाएगा, डेवलप हो जाएगा और वह जो है इस पॉइंटर को जो है इस स्केल पर मूव कराना शुरू कर देगा। अगर ये नहीं लगेगा तो हमारा पॉइंटर जस का तस जीरो का जीरो पर ही रुका रहेगा। और ये बल आघूर्ण विक्षेपक बल आघूर्ण उतने बेटा प्रबल होगा, उतने तगड़ा होगा जितना कि हमारी धारा प्रबल है। धारा का मान कम होगा तो ये टार्क भी हमारा कम होगा, धारा का मान ज़्यादा होगा तो हमारा टार्क भी, विक्षेपण टार्क भी ज़्यादा होगा। तो ये सब जो है हमारे वैद्युत पर ही निर्भर करेगा कि हमारी जो है धारा कितने एम्पियर की जो है इंस्ट्रूमेंट से होकर जा रही है बाहर की ओर, या कोई भी इंस्ट्रूमेंट आपका बल्ब ही कितनी धारा ले रहा है तो आप वहाँ पर लगाएं। अगर ये एम्पियर मीटर है तो श्रेणी क्रम में लगाएंगे, और अगर ये वोल्ट मीटर है तो समांतर क्रम में लगाएंगे, ठीक है ना। तब ये बताएगा कि कितनी जो है धारा जा रही है, कितना जो, अब अगर धारा ज़्यादा वो इंस्ट्रूमेंट खींच रहा है तो उसका जो है बेटा विक्षेपक बल आघूर्ण भी इसका तगड़ा होगा, और कम खींच रहा है तो कम होगा। फिर दूसर की बात यह है कि विक्षेपक बल आघूर्ण बेटा तब तक लगना चाहिए जब तक हम लोग रीडिंग ले रहे, रीडिंग ले लिए तो उसके बाद विक्षेपक बल आघूर्ण का मान खत्म हो जाना चाहिए, शून्य हो जाना चाहिए, ठीक है। चलिए तो अब विक्षेपक बल आघूर्ण की बात थोड़ा सा समझ में आएगी। अब हम लोग विक्षेपक बल आघूर्ण उत्पन्न करने के लिए क्या करते हैं बेटा,
जैसे ऐसे एक समझिए, ये तो हो गया पॉइंट। अब किसी इंस्ट्रूमेंट में हम लोग जो है ऐसे एक जो है स्पिंडल लगा देते हैं, ऐसे स्पिंडल, ये जिसे हम लोग क्या कहेंगे, तर्क कहेंगे, क्या कहेंगे, ये ऐसे स्पिंडल, ये स्पिंडल ऐसे लगा दिया, ये क्या हो गया, हाँ स्पिंडल इसे बोलेंगे बेटा, स्पिंडल जिसे हम लोग तर्क या धुरा कहते हैं, क्या कहते हैं, धुरा। बड़े जगहों को हम लोग शाफ्ट बोलते हैं और थोड़ा छोटे में उसे हम लोग स्पिंडल बोलते हैं। ये स्पिंडल हो गया, यहाँ पर हम लोग ज्वेल बियरिंग लगा देते हैं, क्या लगा देते हैं, हाँ ऐसे बेटा, ये ऐसे इसी पर ये मूव करेगा, ये ऐसे जो है ज्वेल बियरिंग लगा, अब इसी पर धुरा को हम लोग टिका, ये हो गई आपकी ज्वेल बियरिंग। इधर ऊपर भी लगा देंगे, क्या करें, ऐसे ही एक ज्वेल बियरिंग यहां भी लगा देंगे, तो अब जैसे ही बेटा इसमें सप्लाई डालेंगे, ये धुरा जो है हमारा नाचने, धुरा क्या करने लगे, मान लीजिए कि ये धुरा बेटा ऐसे ऐसे नाचने, अपनी जगह पर ही ये क्या करेगा, ऐसे ऐसे नाचने लगेगा, बोलिए भाई, जब ये धुरा जो है इस ज्वेल बियरिंग पर नाचने लगेगा तो इसी से जुड़ा हुआ ये पॉइंटर भी गस्सी हो जाएगा, जुड़ा हुआ पॉइंटर, जैसे जैसे धुरा हमारा नाचेगा बेटा ये पॉइंटर इस पर ऐसे ऐसे चलेगा, तो वही हो जाएगा डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, विक्षेपक बल आवरण, ठीक है ना। अब जो है बेटा ये खड़ाक से जाकर यहाँ टूट न जा, इतना तेज न जा, और यहाँ पर हम लोग कभी कभी खूंटी बिगाड़ दें, देखे होंगे लास्ट में स्केल के एंड में एक जो है इतनी बड़ी खूंटी भी लगा दे, ताकि हमारा पॉइंटर जाए भी तो वहां रुक जाए, उसके आगे न जाके लड़ेगा, और फिर बेटा ये डिफ्लेक्टिंग टार्क जो है इतना ज़्यादा ना हो जाए कि ये पॉइंटर या ये जो हमारा बेटा संकेतक है, ये पॉइंटर जो है ये यहाँ पर खूंटी पर टकरा कर टेढ़ा हो जाए या टूट जाए, तो इसके लिए हम लोगों को नियंत्रक बल आघूर्ण या कंट्रोलिंग टार्क की भी ज़रूरत पड़ती है, ये टकरा कर वहाँ टूट जाए, क्लियर है। अब जो है इसके बाद जो है हम लोग, तो एक तो हो गया विक्षेपक बल आघूर्ण, जो कि बेटा पैमाने पर इसे पॉइंटर को मूव कराएगा, दूसरा का आप कहेंगे नियंत्रक बल आघूर्ण, उसकी क्यों ज़रूरत पड़ती है, तो हम लोग कह रहे हैं कि ये पॉइंटर जो है स्केल के एंड पर जाकर बहुत तेज़ी से टकरा कर टूटने न पावे, इसके लिए जो है उसके हाँ विक्षेपक बल आघूर्ण को बेटा हम लोग नियंत्रित करते हैं, कंट्रोल करते हैं, तो ऐसे बल आघूर्ण जो कि बेटा हाँ उसके गति का, हमारे पॉइंटर के गति का नियंत्रण करते हैं, उन्हें हम लोग जो है कंट्रोलिंग बल आघूर्ण या नियंत्रण बल आघूर्ण का, इसके प्रयोग करने से हमारा पॉइंटर जो है स्केल के एंड पर जाकर बहुत टकराता नहीं है, अथवा टूटता नहीं है, अथवा टेढ़ा नहीं हो पाता है, तो इसलिए कंट्रोलिंग टार का भी बहुत भूमिका है, ठीक है ना। उसके बाद है बेटा अवमंदक बल आघूर्ण, जिसे हम लोग कहेंगे डैम्पिंग टार। डैम्पिंग टार क्या है कि जब हमारा पॉइंटर चलता है बेटा, कंट्रोल भी हो गया, टूटा भी नहीं, लेकिन वो जैसे 50 से थोड़ा बाएं भी जा रहा है, दाएं भी जा रहा है, बाएं भी जा रहा है, दाएं भी जा रहा है, इस टाइप से वो कंपन करता रहा, जिसे कहेंगे वाइब्रेशन करता रहा,
तो हम लोग इंतजार करते हैं कि ये पॉइंटर रुके तो हम लोग रीडिंग पढ़ें। तो उसके लिए ये डैम्पिंग टार का हम लोग प्रयोग करते हैं, जो कि इस निडिल का या इस पॉइंटर का या इस सुई का बेटा या इस संकेतक का जो है कंपन दूर कर, ताकि हमारा जो है अगर 50 रीडिंग दे रहा है तो 50 पर ये पॉइंटर जाके रुक जाए, ऐसे ऐसे बाएं दाएं ऐसे ऐसे कुछ देर तक न करे और हमें इंतजार न करना। क्लियर हो गया? यानी जो बेटा पॉइंटर के कंपन को वाइब्रेशन को कम करें, ऐसे बल आघूर्ण को हम लोग कहेंगे डैम्पिंग या अवमंदक बल। क्लियर हो गया? कंट्रोलिंग बल आघूर्ण क्या है? तो आपने कहा कि विक्षेपण बल आघूर्ण के कारण जब हमारा पॉइंटर अंशांकित पैमाने पर मूव करने लगता है तो वह स्केल के लास्ट में जाकर टकरा कर टूटे न, उसे नियंत्रित करने के लिए कंट्रोलिंग तार की जरूरत पड़ती है। ठीक है ना? फिर आपने कहा विक्षेपक बल आघूर्ण क्या है? तो आप कहेंगे कि इस पॉइंटर को अंशांकित पैमाने पर मूव कराने के लिए अथवा गति कराने के लिए जिस बल आघूर्ण की आवश्यकता होती है, या जो बल आघूर्ण जो है इस पॉइंटर अथवा संकेतक को अंशांकित पैमाने पर बेटा मूव कराता है, उसे गति कराता है, ऐसे बल आघूर्ण को हम लोग डिफ्लेक्टिंग टॉर्क या फिर जो है विक्षेपण बल आघूर्ण का। ठीक है ना? तो आपने लिखा कि इसकी प्रबलता जो है, इस टॉर्क की प्रबलता जो है उसमें प्रवाहित धारा के समान अनुपातीय प्रबल धारा जाएगी, प्रबल विक्षेपण टार्क उत्पन्न। तीनों बातें समझ में आ गई? अब जो है हम लोग नियंत्रक बल आघूर्ण की बात करते हैं। विक्षेपण वाला हो गया, अभी आगे भी हम लोग देखेंगे इसको। फिर नियंत्रक वाला बेटा दो प्रकार का नियंत्रण हम लोग करेंगे। कंट्रोलिंग टार्क उत्पन्न करने के लिए हम लोग जो है दो प्रकार की व्यवस्था करेंगे। अब कंट्रोलिंग टार के लिए बेटा दो व्यवस्थाएं हम लोग करेंगे। एक व्यवस्था जो है स्प्रिंग वाला करेंगे, स्प्रिंग कंट्रोलिंग टार। और दूसरा क्या बेटा? भार या वेट। भार नियंत्रण बल तो नियंत्रक बल आघूर्ण बेटा हम लोग दो प्रकार से लगाते हैं। कितने प्रकार से? दो प्रकार से। पहला आपने लिखा स्प्रिंग कंट्रोलिंग टार्क और दूसरा का वेट। वेट वाला जो है बेटा यह गुरुत्व के सिद्धांत पर किसके सिद्धांत? इसे ग्रेविटी कंट्रोल भी कर, क्या कर? ग्रेविटी कंट्रोलिंग टॉर्क, या हिंदी में क्या कहें? गुरुत्व, गुरुत्व नियंत्रण या नियंत्रण। अब गुरुत्व नियंत्रण और स्प्रिंग कंट्रोलिंग बेटा हम लोग करेंगे कंट्रोलिंग टार्क के लिए। ठीक है ना? यानी यूं कहेंगे कि कंट्रोलिंग टार्क हम दो प्रकार से करेंगे, एक स्प्रिंग के आधार पर करेंगे और दूसरा का ग्रेविटी या गुरुत्व के आधार। तो अभी स्प्रिंग वाला अगर देखना है बेटा तो हम लोग जो है इस इंस्ट्रूमेंट में स्प्रिंग लगा दें। अब यहाँ पर अगर एक हमने स्प्रिंग लगा दिया, मान लीजिए कि
यहाँ पर एक स्प्रिंग लगा दिया बेटा, तो इस स्प्रिंग को हम लोग कहते हैं बॉल स्प्रिंग। क्या कहते हैं? बॉल स्प्रिंग बेटा। बाल आपको हेयर कहेंगे, क्या कहेंगे? HAIR, हेयर माने बाल, इसे हेयर स्प्रिंग भी कहेंगे। एक बाल माने गेंद होता है, कल आप लोगों से चर्चा हुई थी, BALL स्पेलिंग, बॉल माने गेंद, और ये वाला जो बाल है, ये सिर का हाथ का जो बाल है बेटा, उस बाल को हम लोग अंग्रेजी में हेयर बोलते हैं। तो हेयर स्प्रिंग का प्रयोग, और कुछ में जो है डबल का भी प्रयोग करेंगे। एक और हेयर स्प्रिंग अगर यहाँ पर हम लोगों ने लगा दिया, हेयर तो आप लोग देख ही रहे हैं, नहीं देख रहे भैया? एक हेयर स्प्रिंग यहां भी लगा दिया, और इसके साथ बेटा जो है हम लोग जीरो एडजस्टिंग स्क्रू भी लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? जीरो एडजस्टिंग, हाँ, एडजस्टिंग स्क्रू लगा देते हैं। तो इसी को कहेंगे स्प्रिंग कंट्रोलिंग, ठीक है? तो धुरे में बेटा ऐसे जो है ऊपर और नीचे ज्वेल बियरिंग लगा देते हैं, जिस पर कि हमारा धुरा मूव करेगा, और ये जो है हमारा पॉइंटर आगे बढ़ेगा, इतना काम जो है ये विक्षेपक बल आघूर्ण कराएगा। उसके बाद बेटा ये पॉइंटर आगे जाकर टकरा के टूटे ना, इसकी गति इतनी तेज ना हो जाए, उसको नियंत्रित करने के लिए हम लोग नियंत्रक बल आघूर्ण का कंट्रोलिंग टार्क का प्रयोग करेंगे। और कंट्रोलिंग टार्क हम लोग दो प्रकार से करेंगे, एक स्प्रिंग कंट्रोलिंग, दूसरा ग्रेविटी कंट्रोलिंग। अब जो स्प्रिंग कंट्रोलिंग हो रही है वो हम लोग देख रहे हैं। क्या करते हैं? धुरे पर दो जो है बाल स्प्रिंग, बाल यानी हेयर स्प्रिंग, हेयर माने बाल, बाल कितना पतला होता है वैसे पतले तार की एकदम स्प्रिंग बनाई जाए बेटा, तो उसे हम लोग कहेंगे हेयर स्प्रिंग। जैसे आप देखते होंगे स्प्रिंग आपके साइकिल के स्टैंड में भी लगी रहती है, साइकिल की गद्दी में भी लगी रहती है, स्प्रिंग आपके जो है बेटा पेन में भी यहाँ लगी रहती है, जिससे हम लोग ऐसे ऐसे ऑन ऑफ करते हैं, निकालते हैं, ठीक है ना? देखिए कितनी पतली है। अब उससे भी पतली स्प्रिंग आपके घड़ी में लगी रहती है, जो पहले हम लोग बेटा चाबी वाली घड़ी प्रयोग करते थे, डेली सुबह चाबी भरना पड़ता है कि नहीं? एक बार चाबी रहती थी, उसको थोड़ा सा हम लोग जो है बेटा ऐसे ऐसे क्लॉकवाइज घुमाते थे, तो कहते थे कि भाई चाबी भर रहा, तो क्या होता था कि उस धुरे पर बेटा जो स्प्रिंग लगी रहती थी वो धीरे धीरे ऐंठ कर जो है और धुरे पर जाम हो जाती थी, और जब एकदम धुरे को कस लेती थी, फिर हम लोग जब चाबी यहाँ से घड़ी की चलाते थे, तो वो जो है जब चाबी नहीं चलती थी तो हम लोग कहते थे कि अब जो है चाबी भर गई, फुल हो गई, तो फुल हो गई तो हम लोग छोड़ देते थे, फिर वो 24 घंटा अभी स्प्रिंग क्या चुकी इस धुरे पर लुपुट गई है बेटा, टाइट हो गई है, अब वो धीरे धीरे खुलती थी, धीरे धीरे यही हुई उसकी स्थिति जुड़ गया। हम लोग स्प्रिंग की बात कर रहे थे बेटा, कंट्रोलिंग टार्क की बात कर रहे थे, कंट्रोलिंग टार्क में हमारा स्प्रिंग कंट्रोल विधि हम लोग देख रहे हैं मेथड, तो उसमें क्या बेटा कि एक स्प्रिंग इसी धुरे पर लुपेट दी जाती है, और वो इतनी बारीक तार की बनाएंगे हम लोग, अमूमन इसे फास्फर ब्रांच की बनाए, किसके बनाए? ये जो स्प्रिंग है बेटा, ये जो बाल स्प्रिंग है, ये वाली बाल स्प्रिंग ये काहे की बनेगी? फास्फर ब्रांच, ब्रांच माने कांसा, क्या कांसा?
जो गोल्ड मेडल हम लोग देते हैं, फिर उसके बाद सिल्वर देते हैं, फिर उसके बाद कांसे का नंबर आया, नहीं कहते हैं भाई ये थर्ड पोजीशन है, इनको ब्रॉन्ज मेडल मिला, वही ब्रॉन्ज यानी कांसा। और जब उसमें फास्फोरस यानी की ऐड कर देंगे तब ये हो जाएगा फास्फर ब्रॉन्ज, फास्फोरस की ऐड कर देंगे मिला देंगे तो कठोरता इसकी और बढ़ जाएगी, तो ये हो जाएगा फास्फर ब्रॉन्ज। तो इसी कांसे का बेटा, कांसा आप लोग देखे हैं मेडल के रूप में देखे होंगे घर में, जो पुराना वाला बेटा थार है, लोटा है भाई, पहले वाला जो हैवी शादी विवाह में अभी दिया जाता है, और वैसी हैवी वाली गिलास, वही कांसा मांगा धातु, उसकी मूर्तियां वगैरह सब बनाई जाती हैं, उसी का यहाँ पर हम लोग प्रयोग करें। क्यों लोहे की स्प्रिंग का या स्टील स्प्रिंग का प्रयोग नहीं करेंगे? क्योंकि स्टील बेटा जो है वो फेरोमैग्नेटिक पदार्थ, जब इसमें ये सब क्या धारा बहेगी तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड अपने आप बनने लगेगी, तो इस स्प्रिंग को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर काम करना है, अतः धारा के कारण, प्रेरण के कारण ये कुंडली स्वयं चुंबकित न होने पावे, इसलिए हम लोग जो है बेटा नॉन फेरस मेटल का प्रयोग करें। स्प्रिंग बनाने में किसका प्रयोग करें? हाँ, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस का प्रयोग नहीं करें, इसलिए इसे हम लोग बनाएंगे फास्फर ब्रांच, ठीक है ना? फास्फर ब्रांच की क्या है, ब्रांच क्या है बेटा, तो कापर है, टिन है, इनकी मिश्र धातु है, यानी कापर की चालकता तो अच्छी है ही है, और तो इसकी चालकता अच्छी है, अगर इसमें मान लीजिए कि बाई दी धारा भी प्रवाहित करानी है तो इसकी चालकता अच्छी है, और विशिष्ट प्रतिरोध बेटा निम्न है, और ताप गुणा उच्च, चालकता क्या, चालकता अच्छी है इसकी, विशिष्ट प्रतिरोध निम्न है बेटा, विशिष्ट प्रतिरोध जिसे आप लोग प्रतिरोधकता कहते हैं, क्या कहते हैं, प्रतिरोधकता कहते हैं, ओम मीटर में मापते हैं, किसमें मापते हैं, ओम मीटर में, यह भी बहुत पूछता है कि विशिष्ट प्रतिरोध को किसमें मापते हैं, हाँ तो ये जो है बेटा निम्न है, और अगला आपने लिखा प्रतिरोध ताप गुणांक उच्च, प्रतिरोध ताप गुणांक उच्च, हाँ बेटा जिसे अल्फा हम लोग कहते हैं वो उच्च, ये क्वालिटी है इसमें बैकबुक के रूप में अगर हम लोग देखें, तो इसी का जो है ये बॉल स्प्रिंग बनाई जाती है। वैसे स्प्रिंग बेटा हम चर्चा कर रहे थे कि हम लोगों की घड़ी में होती है, तो बोले नाम आ गया कंचन का और काजल का, तो आप लोग हंसने लगे, HMT की ये उस समय की सुपर घड़ियाँ थीं, बहुत इनको प्राथमिकता लोग देते थे, जो कलाई में बांधे रहता था तो लोग कहते थे बड़े घर का लड़का है, HMT का कंचन बांधे, हाँ तो चलिए, तो हम लोग बेटा जो है घड़ी में जैसे एकदम पतले बेटा तार की स्प्रिंग रहती है, वैसे स्प्रिंग इस धुरे पर लुपेटेंगे तो उसी को कहेंगे हेयर स्प्रिंग अथवा बाल स्प्रिंग। ये किस धातु की बनेगी ये भी आपने जान लिया, और किसी धुरे पर बेटा डबल स्प्रिंग लग जाएगी तो उसे कहेंगे डबल हेयर स्प्रिंग लगी, जैसे इसी में लगी, तो जब ये धुरा बेटा चलेगा तो स्प्रिंग को धुरे पर ऐसा लगाते हैं कि एक स्प्रिंग खुलेगी तो दूसर की कसेगी, ठीक है ना, इस टाइप से प्रयोग करें, तो जब एक खुलेगी बेटा और दूसर की कसेगी तो जो कसेगी वो इस धुरे की गति को धीमा करेगी, जब धुरे की गति धीमी होगी बेटा तो उससे जुड़े पॉइंटर की गति धीमी हो जाएगी, इस तरह से इसके जो है
विक्षेपण बल आघूर्ण को हम लोग नियंत्रित कर लेते हैं, इसकी गति को धीमा कर लेते हैं और ये लास्ट में जाकर कस के जो है तेजी से टकराता नहीं और टूटता नहीं है। इस तरह से स्प्रिंग अपना काम करती है और इस तरह से स्प्रिंग जो है कंट्रोलिंग टार्क जो है डेवलप करती है। पक्का हो गया। अब आगे क्या कि भाई जो ये खुलेगी बेटा और दूसरे की कसेगी, तो कसेगी तो क्या होगा बेटा, वो एक तरह से उसके अंदर स्थितिज ऊर्जा संचित हो जाती। स्प्रिंग के अंदर कौन ऊर्जा संचित हो जाती? हाँ, उसकी स्वयं की स्थिति के कारण ऊर्जा संचित हो जाती है, स्थितिज ऊर्जा, जो कि जो है इस धुरे के गति का विरोध करती है या गति को स्लो करती है। और जैसे ही हमारा ये धुरा जो है बेटा कि गति स्लो होगी तो उससे जुड़े हुए पॉइंटर की गति स्लो हो जाएगी और वो आगे जाकर टूटेगा नहीं। इस तरह से जो है स्प्रिंग के कारण एक जो है बेटा कंट्रोलिंग टार्क, ये कंट्रोलिंग ये टार्क उत्पन्न हो जाता है और कंट्रोलिंग टार्क के कारण हमारा जो है पॉइंटर सुरक्षित चलता है और टकरा कर टूटता है। ये सारी बातें आपको लिखाई गई, ठीक है भाई। अब दूसर का हम लोग जो है गुरुत्व कंट्रोल, ठीक है ना, इसी में है बेटा ग्रेविटी कंट्रोलिंग टार्क कैसे उत्पन्न करेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, वेट लगा देते। जैसे अब मान लीजिए कि यहां पर भी हम लोगों ने वेट लगा दिया, अब स्प्रिंग के जगह पर क्या लगा देंगे, वेट लगा देंगे। ये ज्वेल बेयरिंग रहने देते हैं और ये हेयर स्प्रिंग अब हटा दिया बेटा। अब जो है यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एक वेट लगा देंगे। यहाँ पर स्पिंडल पर वेट लगा और ऐसे ही हम लोग जो है पॉइंटर पर भी वेट लगाएं। क्या करें, हाँ इसको हम लोग जो है आगे ऐसे बढ़ा लेते हैं, ऐसे और इस पर भी हम लोग वेट लगाएं। ये आपका बेटा एक वेट ये भी हो गया बाहर और एक वेट यहाँ भी लगा दिया बेटा, ये भी हो गया आपका बाहर पूरे पर। अब देखिए यही हो गया आपका ग्रेविटी गुरुत्व कंट्रोल। अब हम लोग जानते हैं बेटा कि पृथ्वी हर वस्तु को अपनी केंद्र की ओर या अपनी ओर खींचती, उसे हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स या गुरुत्व बल का, ठीक है ना। उसी के कारण पृथ्वी के गुरुत्व बल के कारण ही हम लोगों को ऑक्सीजन मिल रहा है। ये अपने गुरुत्व बल से वायुमंडल को खींचे हुए, इसलिए सबसे ज़्यादा वायुमंडल का घनत्व या डेंसिटी जो है वो धरातल पर, इसलिए हम लोगों को आराम से सांस मिल रही है, ऑक्सीजन ले रहे। अगर पृथ्वी अपने गुरुत्व बल से नहीं खींचती तो ये उड़ जाती। इसलिए वायुमंडल को खींचने का, हमको आपको ऑक्सीजन देने का काम भी धरती करती है। धरती हम लोगों को पानी भी देती है पीने के लिए, धरती हम लोगों को खेलने कूदने चलने फिरने घर मकान सड़क मोटरसाइकिल कार दौड़ाने के लिए भी देती है। फिर धरती हम लोगों को बेटा जो है विभिन्न प्रकार के फल सेब अंगूर संतरा नाशपाती भी देती है, विभिन्न प्रकार की जड़ी बूटियां दवाइयां देती है। यही जो है हम लोगों को पेट भरने के लिए दाल चावल गेहूँ भी देती है। यही धरती माँ हम लोगों को जो है पानी भी उपलब्ध कराती है पीने के लिए और पेट्रोलियम भी कोयला भी सोना भी चांदी भी। आज तक अभी कोई ऐसी फैक्ट्री नहीं बनी है जो कि सोना बना दे, जो कि चांदी बना दे, जो कि एल्युमिनियम बना दे। ये हमारी धरती माँ देती है।
कोयला भी देती है, पेट्रोलियम भी देती है, पानी भी देती है, सोना भी देती है, चांदी भी देती है, हर प्रकार के, ठीक है ना, एल्युमिनियम भी देगी। हम लोग क्या करते हैं, कापर भी देगी। तो जहाँ की धरती ये सब चीज़ें जितना देती हैं, वो देश उतने जो है प्राकृतिक ये सब संपदा है, और वो जो है ऑटोमेटिक अमीर होता है। वो देश है प्राकृतिक संपदा, वो देश ऑटोमेटिक अमीर। चलिए, तो पृथ्वी का ही गुरुत्व बल बेटा अब क्या करेगा, इसे अपनी ओर खींचेगा। वेट के कारण, भार के कारण, ये आपका जो है बेटा, जो पॉइंटर है या सूचक है, इसे पृथ्वी अपनी ओर खींचेगी। तो खींच कर कहाँ लाएगी, एकदम जो धुरे के अक्ष पर लाएगी, ठीक है ना। तो ये जो है हमेशा जो है जीरो अवस्था में जब ये रहेगा बेटा, मान लीजिए ये जीरो अवस्था में रहेगा, तो हमारे धुरे की अक्ष और इस पॉइंटर की अक्ष बेटा दोनों एक सीध में रहेंगे और जीरो पर रहेंगे। और जैसे डिफ्लेक्टिंग टार्क लगेगा, जैसे विक्षेपक बल आघूर्ण लगेगा, वैसे ही ये जो है बेटा इधर की ओर भागेगा। तो ये जो हमारा जो बैलेंस वाला वेट है, ये कौन सा वेट है, हाँ बैलेंसिंग वेट है या बैलेंस वेट है, ये बैलेंस वेट पर जो हमारा गुरुत्व बल कार्य, अभी भाई एकदम ऐसे नीचे की ओर रहता, इस पोजीशन में रहता बेटा, इस पोजीशन में जैसे रहता, इस पोजीशन में है ये वेट, तब तो कोई दिक्कत है नहीं, बोलिए ना। हाँ, एकदम धुरे के अक्ष में है तो पृथ्वी का गुरुत्व बल सीधा नीचे की ओर वर्टिकल लग रहा, लेकिन जैसे ये डिफ्लेक्ट होता है, ऐसे भागा या ऐसे भागा, तैसे ये जो है इधर की ओर खींच के लाने का प्रयास करें धुरे के अक्ष। ये भागेंगे ऐसे तो ये खींचेगा ऐसे, तो जब ये खींचता है बेटा तो इनके स्पीड को एक तरह से संतुलित करता है, नियंत्रित करता है, यही इसका जो है सिद्धांत है। इस तरह से ये जो युक्ति है, ये जो है स्प्रिंग वगैरह से बेटा जैसे खराब हो सकती है, स्प्रिंग ढीली टाइट हो सकती है समय के साथ साथ, 4 साल बाद 10 साल बाद, लेकिन ये वाला जो है नियंत्रण जो है ग्रेविटी कंट्रोल वाला, ये जो है लंबे समय तक कार्य करता है। बस इसकी खूबी यही है कि इसका जब इस टाइप के हम लोग कंट्रोल का नियंत्रण करते हैं, तो इसमें जो है हमेशा इस इंस्ट्रूमेंट को वर्टिकल ही रखना, क्या करना, वर्टिकल पोजीशन में ही इंस्ट्रूमेंट को रखकर प्रयोग करेंगे, तब है जो है सारा फंक्शन जो है इसका सही हो पाए, ये ध्यान। बकिया ये सरल भी है, बहुत सस्ती भी दी है, हल्की सस्ती सब है, और इसमें पृथ्वी के वही गुरुत्व बल का प्रयोग किया गया बेटा। पॉइंटर के साथ एक बैलेंसिंग वेट लगा देते हैं, एक वेट यहाँ भी लगा देते हैं धुरे पर भी, और उससे हम लोग जो है पॉइंटर की डिफ्लेक्टिंग टार को बेटा कंट्रोल करते हैं। तो इस तरह से हमारा जो है ये दो प्रकार का ये जो है हमारा कंट्रोलिंग टार हो। उसके बाद तीसरा नंबर आता है अवमंदन, कौन सा, हाँ डैम्पिंग का, क्लियर। तो चलिए हम लोग डैम्पिंग टार को भी देख लेते हैं फटाफट। अवमंदक, अवमंदक बल आघूर्ण, जिसे आपने लिखा बेटा कि वह बल आघूर्ण जो पॉइंटर या नीडिल के कंपन को नियंत्रित करता, उसे कंपन मुक्त करता, ऐसे बल आघूर्ण को हम लोग डैम्पिंग बल आघूर्ण का, ठीक है ना। जब ये कंपन मान लीजिए कि बेटा 40 पर या 50 पर पॉइंटर पहुंचा, तो एकदम एक्यूरेट जाके वहां रुकता नहीं, बल्कि कुछ जो है आगे पीछे दाएं बाएं वहीं ऐसे ऐसे करता रहता है, तो उसी को हम लोग कहेंगे कि हमारा पॉइंटर जो है कंपन कर रहा, वाइब्रेट कर रहा है,
और उस वाइब्रेट के कारण हमें रीडिंग लेने में देरी होती है। तो हमारे जो अवमंदक यानी डैम्पिंग टार का काम है कि पॉइंटर के उस कंपन को समाप्त करना, अवमंदित कर देना, ताकि हम रीडिंग जो है एक्यूरेट और कम समय में ले। क्लियर हो गया? तो हम कहेंगे कि वह बल आघूर्ण जो हमारे पॉइंटर का कंपन समाप्त करता है, उसे हम लोग डैम्पिंग बल आघूर्ण कहते हैं। और फिर ये डैम्पिंग बल आघूर्ण भी बेटा मुख्य तीन प्रकार, कौन कौन ये मुख्य तीन प्रकार के हैं? पहला है एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग, एयर फ्रिक्शन, दूसरा का बेटा ईडी करंट डैम्पिंग, और तीसरा बेटा फ्लूइड फ्रिक्शन। ये तीन प्रकार का बेटा मेन है जिसका कि हम लोग प्रयोग करते हैं। ज्यादातर हम लोग एयर फ्रिक्शन का प्रयोग करते हैं। डैम्पिंग के लिए ज्यादातर इंस्ट्रूमेंट में किसका प्रयोग करते हैं? एयर फ्रिक्शन का प्रयोग करते हैं। एक हम लोग जो है क्या करते हैं कि इस कंपन को रोकने के लिए, जैसे ये चल रहा है बेटा, इसके कंपन को रोकने के लिए हम लोग जो है पॉइंटर के साथ ही, अब यही चित्र बना लेंगे, फिर चित्र बना लिए सब आप लोग, यही जो है एक जो है बेटा पिस्टन टाइप की, अमूमन एल्यूमिनियम एक पत्ती ले लेते हैं और उसे हम लोग जो है किसमें चलाते हैं? एयर चैम्बर में चलाते हैं। तो जैसे ऐसे बेटा एक एयर चैम्बर ले लिया, देखिए अब अगला चित्र आप देखें, एक बेटा ऐसे हम लोग जो है एयर चैम्बर ले लिया इसका, ऐसे ले। अब इसमें जो है यहां से जुड़ा हुआ बेटा, इस पॉइंटर से जुड़ा हुआ एक पत्ती हम लोग ऐसे ले जाते हैं और इसमें ऐसे जो है हम लोग, हाँ पिस्टन टाइप का बेटा ऐसे कर दे, ये बन गया पिस्टन। ये क्या हो गया हम लोगों का? एयर चैम्बर। ये कौन सा चैम्बर है? हाँ एयर चैम्बर हो गया, लिख लेंगे CHAMBER। और ये हमारा क्या हो गया? पिस्टन। ये एल्यूमिनियम की पत्तीदार पिस्टन हो गया, ये एल्यूमिनियम धातु का लगाएंगे बेटा और इसे कहेंगे पिस्टन। यही है एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग। अब क्या है कि जैसे ये पॉइंटर चलेगा बेटा, तैसे ही ये जो है अंदर जाएगा, इधर भागेगा मान लीजिए तो अंदर जा रहा, या आप उल्टे लगा दीजिए चाहे जैसे लगा दीजिए, तो ये जो है हवा के प्रेशर के कारण जो है उसको मंदित करे, ठीक है ना। अब अगर हम लोग जो है ऐसे भी लगा दिए, या फिर जो है इसको हम लोग जो है दूसरे तरह से लगा सकते हैं, ठीक है ना। तो ये जब इसमें बेटा घुसेगा तो हवा का प्रेशर पड़ेगा और इसे जो है स्पीड को ये रोकेगा, ठीक है ना। तो ऐसे हम लोग जो है, ये एयर फ्रिक्शन है, तो इससे जुड़ा हुआ हमारा जो है ये पॉइंटर है, तो ये पॉइंटर की गति को बेटा जो है अवमंदित कर देता, उसके कंपन को समाप्त कर देता है और हमारा पॉइंटर जो है जल्दी से रुक जाता। तो इस सिस्टम में वही क्या करते हैं, एक एयर चैम्बर लेते हैं और उसमें एक एल्यूमिनियम की जो है बेटा पत्ती लेते हैं, जिस पर जो है बेटा पिस्टन टाइप का बना रहता है, उसे एयर चैम्बर में डाल देते हैं और जब हमारा धुरा नाचता है, जिससे पॉइंटर नाचता है, तो उसी से ये भी जुड़ा हुआ है, तो ये जो है अंदर घुसेगा या बाहर की ओर निकलेगा
तो एयर के प्रेशर के कारण इस घुरे की स्पीड को और पॉइंटर की स्पीड को नियंत्रित करके और एक जगह फिक्स कर देता है, जिससे इसका जो है कंपन दूर हो जाता है। तो इस तरह से ये जो है एयर फिक्शन डैम्पिंग कहलाती है, और ये सबसे सस्ती है और सरल है, और ज़्यादातर इंस्ट्रूमेंट में इसी का प्रयोग करते हैं। क्लियर हो गया। अब दूसरका जो है एडी करंट, कौन वाला? हवर धारा डैम। इसको मिटा दूं, हवर धारा डैम्पिंग। इसमें हम लोग क्या करते हैं, ये हम लोग का पैमाना हो गया बेटा, ये स्केल हो गई इंसान के। यहाँ पर हम लोगों का वैसे ही बेटा धुरा हो गया, इधर जो है क्रिएटिंग हो गई। ये कौन दे रहे हैं? यहाँ पर बेटा हम लोगों का पॉइंटर मान लीजिए लगा हुआ है, ये पॉइंटर हो गया। चलिए ये पॉइंटर बेटा, ऐसे है ऐसे है, ये पॉइंटर हो गया। यहां पर बेटा एक डिस्क हम लोग लगा दो, काहे की डिस्क लगाएंगे? एल्यूमिनियम बोलिए भाई, एल्यूमिनियम या कॉपर की बेटा एक डिस्क लगा दो। इसी धुरे के ऊपर एक डिस्क लगा दो, ये हो गया बेटा एल्यूमिनियम की या सी की जो है कॉपर की सी यू की डिस्क, अमूमन जो है एल्यूमिनियम की लगा दी। और फिर बेटा इसे हम लोग जो है ऐसे बेटा मैग्नेट के अंदर, ये
चले ऐसे जो है डिस्क को इसमें, तो एक मान लीजिए बेटा कि ये वाला आपका नॉर्थ पोल हो गया, तो ये वाला साउथ पोल हो गया, ये हो गया आपका परमानेंट मैग्नेट। ये कौन सा मैग्नेट हो गया? परमानेंट मैग्नेट। ठीक है, यही हम लोगों का हो गया बेटा ईडी करंट डैम्पिंग या भंवर धारा डैम्प। क्या कहें? भंवर धारा डैम्प या अवमंदन। इसी की हम लोग बात कर रहे हैं, भंवर धारा क्रिएट करने के लिए बेटा इसी स्पिंडल पर, ये आपका स्पिंडल है यानी धुरा है, ये आपका पॉइंटर है, तो इसी धुरे पर एक एल्यूमिनियम या कॉपर की बेटा डिस्क लगा देते हैं और इस डिस्क के को हम लोग इसके अंदर रखते हैं, परमानेंट मैग्नेट के नॉर्थ और साउथ पोल के बीच में रखते हैं। हम लोग पढ़े हैं फैराडे का वैद्युत चुंबकीय प्रेरण कि जब कोई चालक किसी चुंबकीय क्षेत्र के अंतर गति करता है तो वह चुंबकीय फ्लक्सों को काटता है, जिससे उसमें एक जो है प्रेरित विद्युत वाहक बल और प्रेरित धारा बहने लगती है। ठीक है ना? तो उसी तरह से बेटा यहाँ पर भी जब ये परमानेंट मैग्नेट के अंदर ये एल्यूमिनियम वाली डिस्क बेटा जब धुरा आपका गति करने लगेगा, मान लीजिए धुरा आपका ऐसे गति करने लगा, रोटरी मोशन करने लगा, तो ये डिस्क भी नाचने लगती है और जिससे ये चुंबक से निकलने वाले चुंबकीय फ्लक्सों को काटेगी और इसमें भी जो है प्रेरण के कारण एक धारा बहने लगती। चूंकि मेटल में, लोहों में, लौह जिसे हम लोग क्रोड बोलते हैं बेटा, जैसे क्रोडों में एक धारा फ्लक्सों के कटने से बहती है, वो धारा प्रेरित ही धारा होती है, लेकिन वो लोहे से कहीं बाहर नहीं निकल पाती है, कहीं जा नहीं पाती है, बल्कि लोहे के अंदर ही वो एक गोलाई वाली सर्किट में बहने लगती है। कई छोटी छोटी गोलाई वाली सर्किट बनने लगती है, जैसे कि पानी में भंवर, पानी में जो है गोलाई में पानी नाचने लगता है तो उसे हम लोग भंवर कहते हैं। उसी टाइप से ये भी जो है इस डिस्क के अंदर गोलाई में धारा, वही प्रेरित धारा बहने लगती है और जब गोलाई में बहती है तो उसी को हम लोग भंवर कहते हैं। उसी के नाम पर इस धारा का नाम पड़ गया भंवर। है ये भी प्रेरित धारा, लेकिन ये धातु के अंदर गोलाई में चलती है इसलिए उसको नाम दिया गया भंवर। तो वो इस तरह से इसमें भंवर धारा डेवलप हो जाती है। और आपने पढ़ा है कि प्रेरित धारा अथवा भंवर धारा बेटा जिससे उत्पन्न होते हैं उसी का विरोध है। लेंज के नियमानुसार प्रेरित विद्युत वाहक बल और प्रेरित धारा उसी का विरोध करते हैं जिससे उत्पन्न होते हैं। तो अगर ये डिस्क गति नहीं करती, धुरा इसे नहीं नचाता, तो इसमें जो है प्रेरित धारा उत्पन्न नहीं होती, लेकिन अब ये जिससे उत्पन्न हुई है उसी का विरोध करेगी। ठीक है ना? जैसे वहां पर वो चुंबक को फैराडे साहब ने चलाया तो कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल हुआ, लेकिन वो चुंबक के ही गति का कुंडली विरोध कर रही है। जब नॉर्थ पोल को समीप ले आ रहे हैं तो सेम नॉर्थ पोल बनकर उसे पास आने का विरोध कर रही है, दूर हटा रहे हैं तो विपरीत पोल साउथ बनकर जो है उसे दूर हटाने नहीं दे रही है। इसी कारण से कुंडली में आधा चक्र जो है क्लॉकवाइज और आधा चक्र एंटी क्लॉकवाइज धारा बह रही है। इसी धारा को प्रत्यावर्ती धारा कहेंगे। तो इस तरह से जो धारा प्रेरित हुई बेटा उसी को हम लोग कहेंगे प्रेरित धारा, प्रेरित विद्युत वाहक बल। और लेंज साहब ने बताया कि इस तरह से जो चुंबक के प्रेरण के कारण उससे प्रेरित धारा उत्पन्न होती है वो उसी कारक का विरोध करती है जिससे वो स्वयं उत्पन्न होती है।
तो वहां पर वो चुंबक के गति का विरोध कर रही है, यहाँ पर जो है डिस्क नाच रही है, तो अब ये इसकी जो भंवर धारा है वह इसके नाचने का विरोध करेगी, डिस्क के गति का विरोध करती। अगर डिस्क स्थिर रहती तो बेटा प्रेरित न विद्युत वाहक बल बनता और न ही प्रेरित धारा। हम लोगों ने पढ़ा है कि चाहे बेटा चालक को गति कराओ अथवा चुंबक को गति कराओ, दोनों में सापेक्ष गति जब तक नहीं होगी तब तक जो है डी फाई बटे डी टी नहीं होगा। तो इस तरह से इसमें बेटा चूंकि ये डिस्क जो है धुरे के साथ है जुड़ी हुई है, और जैसे ही धुरा पर विक्षेपक बल आघूर्ण लगेगा, डिफ्लेक्टिंग टार्क लगेगा, धुरा नाचना शुरू करेगा, तो ये डिस्क भी नाचने लगती है और इन चुंबक से निकलने वाले परमानेंट मैग्नेट के फ्लक्सों को काटती है, जिससे उसमें एक प्रेरित धारा डेवलप हो जाती है, बहने लगती है, और वो इसी डिस्क में गोलाई के रूप में बहेगी, इसलिए उसे कहेंगे भंवर धारा उत्पन्न हो गई। और ये भंवर धारा इसी डिस्क के गति का विरोध करती है। तो जब इसके डिस्क की गति का विरोध करती है तो चूंकि डिस्क धुरे से जुड़ा है इसलिए धुरे की गति धीमी पड़ती है, और धुरे से हमारा पॉइंटर जुड़ा हुआ है इसलिए पॉइंटर की गति धीमी होती है। इस तरह से ये जो है भंवर धारा अवमंदन टार्क उत्पन्न हो जाता है और हमारे जो है इस पॉइंटर का जो है कंपन समाप्त होता है इस प्रकार से, और इस प्रकार से भंवर धारा कंट्रोलिंग टॉर्क डेवलप हो जाता है। क्लियर हो गया? तो इसी को कहेंगे भंवर धारा डैम्पिंग, क्या करेगी पॉइंटर के जो है कंपन को ये समाप्त करेगी। क्लियर हो गया? तो ये ज़्यादा विश्वसनीय, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इसका प्रयोग हम लोग वहीं करेंगे जिस इंस्ट्रूमेंट में परमानेंट टाइप के मैग्नेट लगे हो, ठीक है ना भाई? और फ्लूइड फ्रिक्शन वाला देख लेते हैं। अब क्या करते हैं, ये चित्र बन गया होगा आप, अब हम लोग जो है फ्लूइड फ्रिक्शन वाला डैम्पिंग देख लेते हैं, इसे मिटा देते हैं। अब जो है क्या करते हैं कि इसको जो है इसके आप लोग बना लीजिएगा, हम तो ये मिटा के बना दिए। अब इसी जगह बेटा जो है इस धुरे पर जो है हम लोग क्या करते हैं ब्लेड लगा देते हैं, ठीक है भाई? एल्यूमिनियम की क्या लगा देते हैं ब्लेड लगा देते हैं ऐसे, लग गया भैया। और इसे बेटा हम लोग जो है द्रव भरे लिक्विड में रख देते, इसमें रख देते, द्रव भरे लिक्विड में रख देते, द्रव यानी लिक्विड भरे पात्र में बेटा बर्तन में इस धुरे को, जिस धुरे पर जो है ये एल्युमिनियम की बेटा एल्युमिनियम का पंख लगा हुआ, क्या लगा हुआ इसे पंख कहेंगे, एल्युमिनियम पंख या ब्लेड भी आप कह सकते हैं। ये ऐसे चार्ट को लगा देते हैं, इसी धुरे पर कस देते हैं, और जैसे धुरा बेटा रोटरी मोशन करता है इस विक्षेपक बल आघूर्ण के कारण, वैसे क्या है कि ये ब्लेड जो है द्रव के घर्षण के कारण बेटा इस धुरे की गति को धीमा करने लगे। ये ब्लेड है क्या, ये पंख क्या है? अब द्रव के अंदर बेटा ऐसे ऐसे जब गोलाई में घूमेगा तो द्रव का घर्षण काम करने लगता है,
इसे घूमने से रोकने लगता, इसलिए इसका नाम हो गया फ्लूइड फ्रिक्शन डैम। क्लियर हो गया? तो इस तरह से जो है द्रव के घर्षण से जो है बेटा ब्लेड जो है क्या करती है, धुरे के गति को कम करती है और फिर उससे हमारे पॉइंटर की गति कम होती है और इस प्रकार से इस पॉइंटर में एक जो है डैम्पिंग हमारा जो है फ्लूइड फ्रिक्शन जिसे कहेंगे बेटा वो कंट्रोलिंग टार्क डेवलप होता है जो कि इसके कंपन को समाप्त करता है और रीडिंग लेने में हमें आसानी होती है। तो इस प्रकार से बेटा ये तीन प्रकार की जो डैम्पिंग रही, ये तीनों प्रकार की डैम्पिंग समाप्त हुई। तो चलिए आज की टॉपिक यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लोगों को ढेर सारी मंगलमय शुभकामनाएँ, धन्यवाद।